क्वेश्चन है अप्लॉट एरिया इज 90,000 स्क्वायर मीटर इट्स लेंथ एंड विड्थ ऑन मैप इज 9 cm into 16 cm respectively. Make a diagonal scale measure up to 500 meter and can read the length of 1 meter. Find its RF also. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है. मैं इसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्स्ट्रा ये है. सो वैल्यू सो 437 meter ऑन स्केल. ये इसमें लिखा नहीं था, मैंने अलग से लिख दिया. ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप से स्केल का क्वेश्चन रहता है. अब इस स्केल में जैसे मैंने बताया था कि कोई भी जब भी हम स्केल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें तीन टर्म्स आएंगे. कौन कौन से टर्म्स आएंगे? एक आरएफ आएगा, एक लेंथ ऑफ स्केल आएगा और एक सो वैल्यू आएगी. ठीक है, तो जो आरएफ है, आरएफ का मतलब होता है, तीन टर्म्स आएंगे सॉल्यूशन करने के लिए. पहला आएगा आरएफ, ठीक है, दूसरा आएगा आपका लेंथ ऑफ स्केल स्केल, ठीक है, और तीसरा होगा सो वैल्यू. ठीक है, सो वैल्यू, ये तीन टर्म्स आएंगे. इन तीन टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले हम आरएफ देखेंगे. तो आरएफ का जो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन में जाएंगे हम. सॉल्यूशन आरएफ का फॉर्मूला हमने आप लोगों को लिखवाया है. आरएफ इक्वल टू क्या होता है? ड्रॉइंग आर मेप साइज, मेप साइज अपॉन एक्चुअल साइज. ठीक है, एक्चुअल साइज. तो ड्रॉइंग मेप साइज इसमें हम पुट करेंगे क्वेश्चन में से. तो देखो इसमें साफ लिखा है प्लॉट एरिया इज 90,000 स्क्वायर मीटर. प्लॉट मतलब होता है खेत. प्लॉट मतलब क्या होता है? खेत. खेत की एरिया 90,000 स्क्वायर मीटर है और मेप पे वो 9 cm इंटू 16 cm दिखा रहा है. तो मेप का जो साइज कितनी है उसकी? 9 cm इंटू 6 cm. तो इस फॉर्मूले में जो मेप साइज है वो कितनी है? सेंटीमीटर इंटू 16 cm है और एक्चुअल साइज कितनी है? 90,000 स्क्वायर, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी एरिया के फॉर्म में है. किसके फॉर्म में? एरिया के फॉर्म में. तो इस एरिया का जो फॉर्म है इसको हम लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? लेंथ के फॉर्म में. तो लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो स्क्वायर होता है उसको हम अंडर रूट कर देते हैं ऊपर नीचे. क्या कर देते हैं? अंडर रूट. तो जब यदि हम इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये जो स्क्वायर के फॉर्म में वो लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी.
इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एरिया के फॉर्म में वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेंथ के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे अगले स्टेप में इसको 9 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर का अंडर रूट कर देंगे और नीचे की वैल्यू का भी अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं, हम 9 का अंडर रूट करेंगे, ठीक है, 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3, और 6 का अंडर रूट 4, और स्क्वायर दोनों सेंटीमीटर का अंडर रूट क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आया कि नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 4 0 है और ये 9 है, तो हम 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा और 4 0 का 2 0 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा मीटर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसको आगे जो है छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/4 सेंटीमीटर अपॉन 300 × 100। इसको हम काट देंगे, ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 100 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 25, यानी कि RF कितना आ जाएगा हमारा, RF यहाँ पे हम लिखेंगे तो RF इक्वल टू आ जाएगा 1/25/20। अब देखेंगे हम लेंथ ऑफ स्केल, तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, हम इसको यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर बाय स्केल MML, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ जो है ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये दी है, ये लिखा है यहाँ से कि मे का डायगोनल स्केल मेजर अप टू मतलब कितना नाप सकती है, मेजर अप टू यानी यहाँ तक नाप सकती है, कहाँ तक नाप सकती है वो 500 मीटर तक, कितना तक नाप सकती है 500। तो हमें MML की जगह पे लिखना 500 और RF की जगह पे लिखना है 1/2500 इंटू, तो MM की जगह पे हम लिखेंगे 500, MML की जगह 500 मीटर, ये क्या है मीटर। अब हमें यहाँ पे मीटर है और ये हमारा किस फॉर्म में था, सेंटीमीटर के फॉर्म में, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो मीटर को हम यहाँ पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2500 × 500 × 100 सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे ताकि यूनिट का कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे। अब हम देखेंगे तो 1/2, 1/2, ठीक है, और ये आ जाएगा 20, तो लेंथ ऑफ स्केल हमारी हो जाएगी कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीसरा है सो वैल्यू, जो सो वैल्यू है, सो वैल्यू हमें कितना रिप्रेजेंट करना है, सो वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करना 437, ठीक है, तो 437 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें इसके कितने भाग करना है, लेंथ जो मेजर करना है, तो लेंथ मेजर करने के लिए जो वैल्यू आती है उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हम मेन स्केल के कितने डिवीजन करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो मेन स्केल की मैक्सिमम लेंथ है 500 मीटर है और उसमें से हमें 400 भी चाहिए, 30 भी चाहिए और 7 भी चाहिए, क्या क्या चाहिए, 400 चाहिए, 30 चाहिए और 7 चाहिए, यानी कि पहले हम 100 के डिवीजन करेंगे, फिर हम उसके 10 के डिवीजन करेंगे, फिर 10 के फिर 1-1 के डिवीजन करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम स्केल को कितने कितने भागों में डिवाइड करेंगे। 400 हमें वैल्यू चाहिए है, तो 400 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डिवीजन
होंगे हमारे पास 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। इसमें से हमें ये 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू हम ले लेंगे तो 400 हमें मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 400 में से हमें कितना चाहिए, 30, कितना चाहिए 30। तो 30 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास 100 है, ठीक है, उस 100 के हम 10 के कितने डिवीजन करेंगे, 10 डिवीजन। इसके बाद कितना चाहिए हमें, 7 चाहिए। तो 7 लाने के लिए जो हमारे पास 10 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 10 ही है, ठीक है, यहाँ पे हम एक एक के कितने डिवीजन कर देंगे, 10 डिवीजन। तो इस तरीके से हम मेन स्केल को पहले 100-100 के भागों में डिवाइड करेंगे, फिर एक जो रहेगा आगे वाला सेक्शन उसको फिर हम 10-10 के भागों में डिवीजन करेंगे, फिर एक और रहेगा 10-10 वाला उसको हम डायगोनली फिर से एक एक के भाग में डिवीजन करेंगे। जब हम एक एक के भाग में डिवीजन करेंगे तो जैसा कि हमें स्केल में बोला गया है कि रीड द लेंथ ऑफ 1 मीटर, तो वहां पर हम 1 मीटर नाप सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन के बाद फिर हम अपनी स्केल को ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है, कैलकुलेशन के बाद अब हमें जो है फाइनल स्केल ड्रॉ करना है, बनाना है। तो कैलकुलेशन से हम सिर्फ एक वैल्यू लेंगे, वो लेंगे हम लेंथ ऑफ स्केल वाली वैल्यू। तो जैसा हमने क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया है उसमें देखा हमने कि लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे प्रोसीजर ये है कि हम 20 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये है लाइन 20 सेंटीमीटर की, आप लोगों को भी 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, ये यहाँ तक मैंने खींच दी, 20 सेंटीमीटर की लाइन है और इस 20 सेंटीमीटर की लाइन को हमें 3 सेंटीमीटर, कितना बैठ लेना है इसकी चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई लेना है। ये 3 सेंटीमीटर चौड़ाई के बाद इसको हमें पहले एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, रेक्टेंगल। तो ये हमने यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, ये, और इसको हमने एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये यहां से ये, ठीक है, ये हमारी स्केल रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। 3 सेंटीमीटर जो है लेंथ लिए और विड्थ लिए हमने, और इसकी लेंथ कितनी ली है, 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे इसकी डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशंस में वो वैल्यू लिखेंगे जिसको नापने के लिए ये स्केल बनी हुई है। कितनी वैल्यू नापने के लिए स्केल बनाई हमने, ये गलत, कितना वैल्यू नापने के लिए स्केल बनाई हुई है हमने, ये 1.5। देखो भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना स्केल नाप सकते हैं, मैक्सिमम 500, कितना नाप सकती है 500। तो ये 500 की जो लेंथ है उसको नापने के लिए हमारी ये स्केल बनी हुई है, ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी है, ये यहाँ से डायमेंशन से, और ये हमने 500 यहाँ पे दिखा दिया है। इसका मतलब ये है कि ये स्केल यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर क्या नापेगी, ये 500 मीटर नापेगी। ठीक है, अब हमने देखा
कि जो हमें डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है 437 है, कितना है 437 मीटर, ठीक है। इस 437 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले कैलकुलेट किया था कि हमें इसके पहले कितने भाग करना है, 100 के 5, कितने भाग करना है 100 के 5। जब हम इसके 5 भाग करेंगे तो 500 के जो 5 भाग होंगे तो 100 आएंगे, कितने आएंगे 100। तो हम 100 के 5 भाग करेंगे तो 5 भाग करने के लिए हमारे पास जो पैरेलल लाइन मेथड है उस मेथड को हम फॉलो करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड। आप लोग को मालूम है पैरेलल लाइन मेथड? हाँ तो ठीक है, आप पैरेलल लाइन मेथड को फॉलो कीजिए। पैरेलल लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है जिसको हमें डिवाइड करना है 5 पार्ट में, इसके नीचे हम एक इंक्लाइन लाइन खींचते हैं ऐसे, ये इंक्लाइन लाइन खींचती और इस इंक्लाइन लाइन पे इक्वली 5 डिविजन करते हैं, इक्वली कितने 5। तो हम प्रकार से ये इक्वली 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 डिवीजन कर दिए हमने और इन 5 डिवीजन की नंबरिंग करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है हमारी, ये जो 5 डिवीजन हमने किए हैं, इस 5 डिवीजन में इसका जो लास्ट वाला निशान 5 डिवीजन है और ये लाइन का लास्ट एंड पॉइंट है, इन दोनों को हम क्या करते हैं मिला देते हैं। तो हम यहाँ इसको मिला दे रहे हैं और मिलाने के बाद हम अपने मिनी डॉप्टर को इसी कंडीशन में फिक्स कर देंगे, ये फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद फिर हम इसको स्लाइड करेंगे, ठीक है, स्लाइड करेंगे इस टाइप से, ये ठीक है। फिर आगे जाएंगे स्लाइड करते हुए, फिर और आगे जाएंगे इस टाइप से, हर एक पॉइंट जो हमने इंक्लाइन लाइन ली है उस इंक्लाइन लाइन पे जो 5 डिवीजन लिए हैं उनके हर एक पॉइंट पे जाएंगे और ये ऐसे पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। तो देखिए ये हमारी ये लाइन इस लाइन के पैर, ये जो लाइन खींची थी इसके कंपेरिजन 4 नंबर की लाइन से पैरेलल है, 3 इससे पैरेलल है, 2 इससे पैरेलल है और 1 इससे पैरेलल है। इसका मतलब सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। हमने ये डिविजन्स किए हैं, हम चेक भी कर सकते हैं, देखो डिविजन्स हमारे बराबर है कि नहीं। 1 ये देखो, ये देखिए ये डिविजन्स हमारे बराबर है, ठीक है। छोटा मोटा थोड़ा सा अंतर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से अंतर में कोई वो नहीं होता है, ज्यादातर हमारे डिविजन्स जो है इक्वली है। आप लोग के पास मिनी डॉक्टर है उससे आप खींचेंगे तो टोटली बराबर आएंगे, ठीक है। हाँ बेटा, कितना 5 करना ना, ये लिखिए ना 5 लेना, नाप के नहीं लेना, कुछ भी लेना अंदाज से, नापना नहीं है, नापोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 5 डिवीजन से लिए हैं इस लाइन के, इसको वर्टिकली जो है हम डिवाइड कर देंगे, ये लाइन खींच देंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकली जो हमारी स्केल है जो 20 सेंटीमीटर की स्केल थी, इसको हमने 5 डिवीजन में डिवाइड कर दी, तो ये टोटल कितना हो गया, यहां से हम देखेंगे तो ये 0, 100, 200, 300 और ये 400 और एक जो खाली वाला पोर्शन है ये यहाँ पर खाली है, तो ये टोटल कितना हुआ 100, 100, 100, 100, 100 टोटल कितना हुआ 500। लेकिन इसमें से हमने काउंटिंग कितनी लिखी है, 0, 100, 200, 300, 400 तक की काउंटिंग लिखी है, 100 जो है हमने आगे छोड़ा हुआ है। 100 हमने आगे किस लिए छोड़ा है, क्योंकि हमने 100 इसलिए छोड़ा है कि जिस वो 100 का हमें जो 10 डिवीजन करना है उसके हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे,
ठीक है, आगे वाला एक पोर्शन हमेशा छोड़ देंगे और उसको हम डिवीजन करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ हम इसके फिर से 10-10 डिवीजन करेंगे ताकि हमारे लिए 30 वैल्यू मिल जाए। इसमें हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 400। ठीक है, तो 30 वैल्यू लाने के लिए फिर से हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड। इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को 10 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे। तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए फिर से हम पैरेलल लाइन मेथड यूज करेंगे, जिसमें इसके इंक्लाइंड एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पर खींची हुई थी, ये इंक्लाइंड एक लाइन खींच दी और इस लाइन के इक्वली 10 मार्क्स फिर से हम लगाएंगे। और ये जो 10 मार्क्स लगाएंगे उनका जो डिस्टेंस है फिक्स नहीं, हम अंदाज से लेते हैं कुछ भी। अंदाज से इतना लेना है कि ये जो हमारी लाइन है इस पे 10 निशान आ जाए बस। ठीक है, तो अंदाजा हमारा ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 डिवीजन होगा। इनकी नंबरिंग कर देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब हम ये जो हमारे 10वीं लाइन है, 10वां पॉइंट है, इस 10वें पॉइंट को इस 0 से हम मिला देंगे। और 0 से मिलाने के बाद हम देखेंगे, ये मिला दिया और ये जो लाइन मिली हुई है इसी के पैरेलल हम मिनी डॉट को सेट कर देंगे और इसे आगे स्टेप से स्लाइड करते जाएंगे। आगे स्लाइड करने पर जो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा उससे लाइन मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये तो हम देखेंगे ये जो हमारी लाइन है ये इतना पोर्शन है 100 का है। इस 100 के हमने 10 इक्वल डिविजन इसमें निशान लगा लिए हैं। ये इक्वली डिविजन है 10 है। इनमें से यदि 100 को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ से हम देखेंगे 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये क्या कहलाएगा आपका 100। हो गया 100? हाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी 100 को हमने 10 इक्वल डिविजन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये जो डिविजन है ये हमने मार्क कर दिए। अब हमें इसको इसके ऊपर हमें डायगोनल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है कि जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल के एक कॉर्नर से उसके सामने वाले दूसरे कॉर्नर को मिलने वाली जो लाइन है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इसको यदि हम एक रेक्टेंगल मान लें इस वाले सेक्शन को और यहाँ से फिर हम एक लाइन खींचें, मैं ये रेड कलर से खींच रहा हूं, यहां से ये लाइन। तो ये जो लाइन यहां से यहां खींची हुई है ये क्या है? डायगोनल। क्या है? डायगोनल। अब इसी तरीके से हम हर एक पॉइंट पे ऐसे ही इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डायगोनल कहलाएंगे। ठीक है, इनसे हम सभी पॉइंटों पे, अभी हमने 9 पे खींची है, अब हम 8, अभी हमने 90 पे खींची है, अब हम 80 पे खींचेंगे, ऐसे ऐसे सारे पॉइंटों पे हम ये डायगोनल लाइन खींचेंगे। ऐसी पेंसिल से खींचेंगे, ये देखिए। तो ये हमारी जो लाइन है ये हमने सारे डायगोनल खींच दिए, ये सारे के सारे डायगोनल जो है खींच गए हैं। ठीक
ठीक, ये ध्यान रखना डायगोनल हमेशा इंक्लाइंड रहेंगे, कोई गलती से सीधा खींचेगा समझ लीजिए वो गलत हो गया। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, डायगोनल मतलब इंक्लाइंड लाइन है, और जो इंक्लाइंड लाइन है वो यहाँ के इससे मिलेगी और लास्ट में यहाँ से मिल जाएगी। पहली लाइन यही खींचना है आपको, अगर आपने यहाँ से खींचना चालू कर दिया समझ लीजिए गलत हो गया आपका, ठीक है। मिनी डॉक्टर से ही खींचना है, बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस दिखना चाहिए, छोटे बड़े डिस्टेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो डायगोनल हम देख रहे हैं, डायगोनल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन यदि हम बेस देखें तो बेस इतनी डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने इसको जो एक्सप्लोर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, इस छोटे से डिस्टेंस को हम इतने बड़े डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डायगोनल की हेल्प से ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम इतनी बड़ी साइज में क्या कर सकते हैं, फैला रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब हम ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम इक्वली 10 डिवीजन में डिवाइड करेंगे, कितने डिवीजन में, 10 में, ठीक है। तो 10 डिवीजन में डिवाइड करने का पर्पज क्या है, हमारे 10 डिवीजन में डिवाइड करने का पर्पज ये है कि ये छोटा सा जो डिवीजन है इसको हम बराबर 10 भागों में बांटना चाह रहे हैं, कितने भागों में बांटना चाह रहे हैं, 10 में। तो ये जो 10 में बांटने के लिए यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 10 भागों में बांटेंगे तो वो हमें दिखेगा नहीं प्रॉपरली, और तो ओवरलैप भी हो जाएंगी लाइनें। तो अब हम इसको इसकी जगह पे, ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम पे यहाँ पे हम 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर देंगे, और फिर वो वैल्यू हम इस वाली डायमेंशन पे, इस वाली लाइन पे, डायगोनल पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम है, इसीलिए हम इसको डायगोनल खींचते हैं। अब हम इस डायगोनल को फिर से इक्वली 10 डिवीजन में, ये जो हमारी स्केल जो है वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हमें फिर से इक्वली, ये वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन है, इसको इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए फिर से हम वही वाली मेथड अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे ये, और ये इंक्लाइंड लाइन के ऊपर इक्वली 10 मार्क्स हम लगाएंगे, ठीक है। इक्वली 10, इक्वली 10 में हम यहाँ से छोटा डिस्टेंस ले लेंगे, सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ये 10 डिवीजन हो गए, इक्वली 10 मार्क्स हो गए। इन पे इनकी हम नंबरिंग कर देंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो 10 डिवीजन हुए हैं, इन 10 डिवीजन में तो लास्ट 10 नंबर का जो डिवीजन है, इसको हम इस लाइन के लास्ट 3 पॉइंट से मिला देंगे मिनी डॉक्टर की हेल्प से, ये, ठीक है, ये मिनी डॉक्टर की हेल्प से मिला देंगे, ये मिला दिया। इसके बाद इसको स्लाइड करते जाएंगे और ये पैरेलल लाइन हम खींचते जाएंगे, ये इस तरीके से ये जो हमारी लाइन है वर्टिकल लाइन है इक्वली 10 डिवीजन में डिवाइड हो गई, और इसकी जो नंबरिंग हो गई यहाँ से 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हमने ये जो 10 डिवीजन लिए हैं, इन 10 डिवीजन को यहाँ पे हम लास्ट तक, एंड तक इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, मिला देंगे यहां से लास्ट तक। तो यहां से लास्ट तक जो 10 डिवीजन हमने किए हैं, इनको हम एचपी पेंसिल से मिलाएंगे,
ये यहाँ तक मिला दी, इसके बाद यहाँ आगे और मिला दीजिए, इसको यहाँ से हम एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा स्केल ड्रॉ हो गया। अब इस स्केल में जो वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करना है, कितना रिप्रेजेंट करना है वैल्यू हमें, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 6, 7, तो ये जो वैल्यू है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा। यहाँ से मैं यहाँ से इसको डाल देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसको एरो के फॉर्म में एच बी पेंसिल से खींच देंगे, ठीक है। ये एरो के फॉर्म में यहाँ से शो कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 4, 3, 7 मीटर, ठीक है। कौन सा पॉइंट? ये वाला।